हिजबुल मुजाहिदीन ने कश्मीर में हुए सभी 7 आतंकी हमलों की जिम्मेदारी ली। 4 घंटे में 7 आतंकी हमलों में 13 जवान घायल। शत्रुघ्न सिन्हा ने राष्ट्रपति पद के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को सबसे योग्य उम्मीदवार बताया। आज विपक्षी दलों की बैठक में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर आम सहमति बनने की कोशिश होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज मंदसौर हिंसा के पीड़ित किसानों के परिवार से मिलने जाएंगे। आज से कांग्रेस भोपाल में मंदसौर के किसानों की मौत के विरोध में 3 दिन का सत्याग्रह करेगी। आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे ने कुमार विश्वास पर निशाना साधा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आज एयरपोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। भारतीय रेल ने 40,000 पुराने रेल डिब्बों को आधुनिक और सुरक्षित बनाने का काम शुरू किया। गुजरात के समीर पटेल को अमेरिका के अटलांट में लुटेरों ने गोली मारकर घायल किया। मॉडल और अभिनेत्री कृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। चैंपियंस ट्रॉफी में मेजबान इंग्लैंड आज पाकिस्तान से खेलेगा पहला सेमीफाइनल। बर्मिंघम में विराट कोहली की पेंटिंग को भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक ने 2,38,00,000 रुपए में खरीदा। लंदन के ग्रीन फैल टावर में भीषण आग को बुझाने में दमकल की 40 गाड़ियां लगी। बांग्लादेश में बाढ़ की वजह से अब तक 130 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण अमेरिका के पेरू में दुनिया भर में शांति के लिए एक अनोखी रस्म के तहत जादू टोना किया गया। पीएम मोदी ने ट्वीट करके टॉयलेट एक प्रेम कथा की तारीफ की। अजय देवगन की फिल्म बादशाहों में खलनायक के किरदार में इमरान हाशमी नजर आएंगे।